हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तिका से पाठ नंबर 10, मोबाइल का बोलबाला के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपकी सेट की परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखें। प्रश्न नंबर 1, आज के युग में निम्न में से किसका बोलबाला है? टेलीफोन, पोस्टकार्ड, मोबाइल या दूरबीन? बच्चों, इसका सही उत्तर है गै, मोबाइल। आज के युग में मोबाइल का बोलबाला है। अगला है प्रश्न नंबर 2, जरा ध्यान से सुने। ना मूछ ना पूछ, फिर भी इतनी पूछ, चल दूर हट मुझसे, इन पंक्तियों में निम्न में से किस यंत्र की बात हो रही है? माउस, एटीएम, मोबाइल फोन या कैलकुलेटर? बच्चों, इसका सही उत्तर है गै, मोबाइल फोन। प्रश्न नंबर 3, जब से मोबाइल आया है तब से इनमें से किसकी पूंछ कम हो गई है? घड़ी, टेलीफोन, बैंक या टेलीविजन? और इसका सही उत्तर है खै, टेलीफोन। आइए आगे देखें। आगे है प्रश्न नंबर 4, पाठ के अनुसार किसके नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं? मोबाइल, टेलीफोन, कैमरा या चिट्ठी? और इसका सही उत्तर है क्या, मोबाइल। मोबाइल के नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, पाठ मोबाइल का बोलबाला में तीन साधनों में से किसकी चर्चा नहीं दर्शाई गई है? जिस साधन की चर्चा नहीं की गई है वह कौन सा है? मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविजन या चिट्ठी? बच्चों, इसका सही उत्तर है गै, टेलीविजन। यहाँ टेलीविजन की बात नहीं हुई। प्रश्न नंबर 6, तुम जब से आए हो लोग लिखना ही भूल गए हैं, इस पंक्ति में तुम निम्न में से कौन है? टाइपराइटर, चिट्ठी, मोबाइल या टेलीविजन? इसका सही उत्तर है गै, मोबाइल। आइए आगे देखें। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस यंत्र में बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं? टेलीफोन, रेडियो, एफएम, मोबाइल या टेलीविजन? और इसका सही उत्तर है गै, मोबाइल। अगला है प्रश्न नंबर 8, पाठ मोबाइल का बोलबाला से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? मोबाइल से प्यार करो, चिट्ठी का प्रयोग करें, वक्त के साथ चलना सीखो या मोबाइल से दूर रहें? तो इसका सही उत्तर है गै, वक्त के साथ चलना सीखें। आगे है प्रश्न नंबर 9, आज के मोबाइल फोन से निम्न में से कौन सी सुविधा नहीं होती है? ईमेल करना, बिल की अदायगी करना, रेल टिकट बुक करना या फ्रिज चलाना? बच्चों, इसका सही उत्तर है घे, फ्रिज चलाना। प्रश्न नंबर 10, जिस प्रकार दिन का उल्टा रात होता है उसी प्रकार शत्रु का उल्टा अर्थात विलोम क्या होगा? आलसी, दुश्मन, मित्र या रिपु? और इसका सही उत्तर है गै, मित्र। आइए आगे देखें। आगे है प्रश्न नंबर 11, दादी के बक्से से किसकी आवाज आ रही थी? टीवी, रेडियो, चिट्ठी या मोबाइल? इसका सही उत्तर है गै, चिट्ठी। प्रश्न नंबर 12, जिस प्रकार उदास का उल्टा खुश, साफ का उल्टा गंदा होता है उसी प्रकार कल का उल्टा होगा आजकल, आज, परसों, हमेशा? बच्चों, इसका सही उत्तर है खे, आज। कल का उल्टा आज होगा। प्रश्न नंबर 13, सबसे पहले संचार के साधनों में निम्न में से किसका प्रयोग होता था? टीवी, ईमेल, चिट्ठी या टेलीफोन? और इसका सही उत्तर है खे, ईमेल। आगे है प्रश्न नंबर 14, मोबाइल, टीवी, चिट्ठी व टेलीफोन, यह सब हैं संचार के साधन।
यातायात के साधन, बात करने के साधन या मनोरंजन के साधन? और इसका सही उत्तर है क्या? संचार के साधन। तो बच्चों ये थे पाठ नंबर 10 मोबाइल का बोलबाला से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आई होप आप सभी को ये समझ आ गए होंगे। सभी बच्चे इन प्रश्नों को याद करें, इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।